महापौर के बयान के बाद शहर कांग्रेस की प्रेस वार्ता, शहर को लेकर राजनीति गरमाई। शुक्रवार को भाजपा की रीवा शहर की महापौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमलनाथ सरकार पर एक के बाद एक करके कई आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद रीवा शहर की राजनीति गरमाई। महापौर के आरोपों का जवाब देने उतरे शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू। दोनों के बयानों के बाद यह तय है आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान भी जुबानी जंग इन्हीं मुद्दों को लेकर जारी रहेगी। मध्य प्रदेश की अभी 2 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार की रीति और रवैयों के विरोध में इस प्रेस वार्ता को आयोजित किया गया है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगी कि कांग्रेस की सरकार जांच और स्थानांतरण की सरकार है। इन 2 महीनों में केवल यही काम ये कर पाए हैं। स्थानांतरण के माध्यम से इन्होंने जिन अधिकारियों को पदस्थ किया है वे समस्त अधिकारी प्रदेश भर में कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और जो इस तरह का माहौल सभी विभागों में बना हुआ है यह जनहित के विरुद्ध है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है उसके पूर्व 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जिस तरह भाजपा की सरकार ने अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपनी कार्यशैली के माध्यम से जनता के हृदय में जो स्थान बनाया था, जो विकास का एक पहिया तेजी से चल रहा था, उसे कांग्रेस की सरकार ने रोक दिया है। निगम द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, रीवा की प्रथम महिला है, महापौर है, हम सबकी आदरणीय है। उन्होंने कल लगातार कहा कि जो प्रशासनिक तंत्र है, जो प्रशासन पे आए हुए लोग हैं, वो एक व्यवस्था के अनुरूप काम कर रहे हैं। 50 दिनों के अंदर आदरणीय महापौर जी को एक व्यवस्था की याद आई, उसके लिए मैं तो आदरणीय महापौर जी को धन्यवाद देता हूँ। पिछले 15 वर्षों से एक व्यवस्था थी, एक व्यक्ति था, और उस एक व्यक्ति के साथ उसकी मंशा अनुरूप सारे विभागों के अंदर 15-15 से 20-20 साल से जमे कर्मचारी थे। उस समय वो मुखर नहीं हो पाई। मैं समझ सकता हूँ कि वह महापौर जरूर बन गई, लेकिन जैसा रीवा की जनता के बीच में, इस बात का जनमानस के बीच में इस बात की चर्चा थी कि रीवा में जो महापौर हुए पिछले 2 दशक से, वो एक व्यक्ति और एक नेता के इशारे के कठपुतली की तरह काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि महापौर जी को पहले अपने ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, फिर कहीं और बात करते तो अच्छा लगता। फिर उन्होंने आपके ही माध्यम से, प्रेस के माध्यम से राज कपूर ऑडिटोरियम की बात की कि संस्कृत विभाग को वो होना चाहिए। यह दुर्भाग्य का विषय है कि उन्हीं के विभाग में, उन्हीं के नीचे से वो टेंडर हुआ। अब वो टेंडर भी सार्वजनिक रूप से रीवा के रंगमंच के कलाकारों ने, रीवा की आम जनमानस ने कहा कि यह टेंडर की प्रक्रिया गलत हुई है। यह शहर को एक व्यक्ति के साथ पहले भी दिया जा रहा था, फिर उसी एक व्यक्ति को टेंडर दे दिया गया, जबकि हम सबकी मांग थी कि वह कला और संस्कृति और रंगमंच के लिए अगर वो तैयार किया गया है तो पहली प्राथमिकता रंगमंच और रंगकर्मी के कलाकारों को, जो रीवा की जनता, किसान और को बढ़ाएंगे, दिल्ली और प्रदेश और देश तक रीवा का नाम रोशन करेंगे। लेकिन उन्होंने खुद ही स्वीकार किया कि राजपुर ऑडिटोरियम में भ्रष्टाचार हुआ है। जब उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया तो मेरा ऐसा मानना है उन्हें नैतिकता के आधार पर सरकारें जाँच करेंगी, दोषी पाई जाएंगी कि नहीं पाई जाएंगी ये जांच का विषय है। लेकिन जब उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, और उन्हीं के समय में जो जांच एजेंसी ने स्वीकार किया है कि बाजार बैठकी से लेके जो टेंडर हुए उसमें घोटाला साफ साफ दिख रहा है, उन्हीं के समय हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नार्को टेस्ट अब जनता को करना है और उन्हें बहुत विश्वास है नार्को टेस्ट कराने का। तो मैं आदरणीय ममता गुप्ता जी से सहज भाव से कहना चाहता हूँ कि आप इस्तीफा दे दें, जनता अपने आप उनका नार्को टेस्ट कर देगी। अगर उन्होंने अच्छा किया होगा तो जनता सहज।